जंगल में तहलका मचाने आ गई हैं। सब अपने बच्चों को संभाल लीजिए। Thank you.
की रामलीला का आज दूसरा दिन है और ताड़ी का वध हो चुका है और बाकी दशरथ जी और केके जी हमारे पास आके बैठ गए हैं, अपने पुत्रों को छोड़ छाड़ के अपने पुत्रों को जंगल भेज दिया है इन्होंने हमारे हमारे साथ आके यहाँ पे। अब आगे रामलीला का मंचन देख रहे हैं, अब मारीच और सुभाऊ आएंगे और उनको भी मोक्ष मिलेगा प्रभु राम के द्वारा, तो देखते हैं आगे की रामलीला। तो आप बताइए, ये हैं दशरथ, ये हैं रावण की भूमिका में गीता जरूर जी। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आइए महिला रामलीला में और हम लोगों का उत्साह वर्धन कीजिएगा, क्योंकि हम आप जो महिलाएं हम अभी घरों से निकली हैं और यहाँ पर मंच पर आती हैं, थोड़ा सा लोगों को देखते हैं कि यहाँ भीड़ है, तो उस आगे से कलाकार को भी एक मौका मिलता है करने का और उत्साह भी बढ़ता है। बाकी बोलिए, ये है हमारे नारायण नारायण, ये है हनी तिवारी जी जो कर नारद मुंह में, नारद जी की है। आप ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए और सैटरडे को सब लोग आइए, सब आइएगा। और उसके बाद ये क्या बनी हुई है, सुधनखा बनी हुई है, पांचवे दिन चौथे दिन परसों को हमारा है, प्लीज आप आइएगा। जय श्री तो स्वयंवर है, कल तो सीता की शादी होगी और रावण भी जाएंगे, हम भी जाएंगे तोड़ने, आजमाएंगे हम भी, हमको तोड़ने नहीं देते हैं, पर कल ईसा भी देखिए। ओके चलो आगे के मंचन देखते हैं। चलो ये है हमारे जो कल श्रृंगी मुनि के शील निधि राजा की पत्नी आज हमारे साथ बैठी हुई है महारानी जी। तो महारानी जी कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, कल की रामलीला भी बहुत अच्छी हुई और आज भी काफ़ी अच्छा मंचन चल रहा है, बहुत सुंदर मंचन चल रहा है। आप लोग सभी आए हैं और आप लोगों का उत्साहवर्धन करा हुआ है, तो चलिए आगे का मंचन देखते हैं। मारी सुभाव को बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति रहती है, वो माया भी होते हैं तो वो गायब हो जाते हैं और रामचंद्र जी को दिखाई नहीं देते हैं बाद में, लेकिन सीता हरण में फिर वही मारीच सोने का मृग बन के आ जाते हैं और फिर श्री राम प्रभु के हाथ से मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। पुरी में स्वयंवर होने जा रहा है तो वहाँ तुम दोनों राजकुमार मेरे साथ चलोगे, तो इस तरीके से
विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाया जाएगा मिथिला में। लक्ष्मण की भूमिका में लक्षिता जोशी, बहुत ही शानदार अभिनय। कहा जा रहा है कि अपने चरणों से अहिल्या का उद्धार करो। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनक के दरबार में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज की लीला में रहा राम जन्म और ताड़ी का व्रत, मारी सुबाह व्रत और साथ में गौरी पूजन के बाद लीला समाप्त हो गई और बहुत अच्छा मंचन रहा आज का भी। और जिसने नहीं देख पाए जो, तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आज की लीला देख सकते हैं। और वैसे SGS बुरांस में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है रामलीला का, जो नहीं भी आ सकते हैं तो वो घर बैठे बैठे रामलीला का आनंद ले सकते हैं और मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी ले सकते हैं। और बाकी वहाँ पे आके तो प्रभु राम की कृपा होगी ही आप पे, तो ज़रूर आइए और कोशिश करिए। घर से निकलने में लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, पर वहाँ आके जो आनंद आता है ना, वो अलग ही चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और रामलीला का कल का मंचन रहेगा सीता स्वयंवर और परशुराम लक्ष्मण संवाद, और उसके बाद नेक्स्ट डे की रामलीला का मैं कल बताऊंगी कि क्या रहेगा मंचन। और कल का है धनुष यज्ञ, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और राम की कृपा अपने ऊपर बनाइए।
तो करते हैं जय श्री राम।